हेलो एवरीवन, डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग के सब्जेक्ट में आज हम देखेंगे एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, और ये डाटा लिंक लेयर का पहला वीडियो लेक्चर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डाटा लिंक लेयर होती क्या है, कहाँ पे ये प्रेजेंट होती है, और डाटा लिंक लेयर के क्या क्या मेन फंक्शंस हैं। उसके बाद हम देखेंगे डाटा लिंक लेयर का सबसे मेन फंक्शन, सबसे पहला फंक्शन, जो कि है एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। सबसे पहले हम देखेंगे कि डाटा लिंक लेयर है क्या। सो इट इज़ द सेकेंड लेयर, एंड दिस लेयर रिसीव्स सर्विसेज फ्रॉम द फिजिकल लेयर एंड प्रोवाइड सर्विसेज टू द नेटवर्क लेयर। तो इसका मतलब कि जो भी आप नेटवर्क का आर्किटेक्चर पढ़ते हो, उसमें ये सेकेंड लेयर होती है, और ये लेयर रिसीव कहाँ से करती है सर्विसेज? फिजिकल लेयर से, और किसको प्रोवाइड करती है? नेटवर्क लेयर को। तो अगर हम इसकी पोजिशन बनाते हैं, इसको शो करते हैं किसी भी आर्किटेक्चर के अंदर, तो हम कैसे शो कर सकते हैं? सो यहां पे हम दिखा सकते हैं नेटवर्क लेयर, नीचे हम दिखा सकते हैं फिजिकल लेयर, और डाटा लिंक लेयर कहां पे होती है? इन दोनों के बीच में। सो दिस इज द डाटा लिंक लेयर। तो अगर हम कहते हैं कि फिजिकल लेयर नंबर वन पे है, तो डाटा लिंक लेयर इज द सेकेंड लेयर। और डाटा लिंक लेयर सर्विसेज कहां से लेगी? इट रिसीव सर्विसेज फ्रॉम द फिजिकल लेयर, फिजिकल लेयर से सर्विसेज लेती है, और किसको प्रोवाइड करती है? नेटवर्क लेयर को। तो यहां पे हम लिख सकते हैं रिसीव सर्विसेज। तो इसका मतलब क्या है? कहां से सर्विस रिसीव कर रहा है? फिजिकल लेयर से, और किसको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है? नेटवर्क लेयर को। सो यहां पे लिख सकते हैं प्रोवाइड्स सर्विसेज। सो दिस इज द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ डाटा लिंक लेयर पोजीशन, कि बेसिकली डाटा लिंक लेयर कहां पे पोजीशन होती है, क्या उसकी पोजीशन होती है। अब देखते हैं बेसिक फंक्शंस ऑफ डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर के काफी सारे फंक्शंस हैं, एक एक करके हम सबको पढ़ेंगे, और आज के वीडियो लेक्चर में हमारा मेन फोकस रहेगा एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन के ऊपर। पर बेसिक जो फंक्शंस होते हैं डाटा लिंक लेयर के, वो एक बार देख लेते हैं कि क्या होते हैं। सो बेसिक फंक्शंस हैं, मैं यहाँ पे सारे फंक्शंस एक बार लिख देता हूँ, और उसके बाद दोबारा से हम उसको स्टडी करेंगे। सो ये बेसिक छह फंक्शंस होते हैं डाटा लिंक लेयर के। सबसे पहला तो ऐसा है कि ये प्रोवाइड करता है सर्विसेज नेटवर्क लेयर को, देन फ्रेम को सिंक्रोनाइज करता है कि सेंडर और रिसीवर साइड पर जो फ्रेम्स हमारे ट्रांसमिट हो रहे हैं वो सिंक में हो, देन फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल। और जब हम डाटा लिंक लेयर की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि जो इनके मेन फीचर्स हैं वो है फ्लो और एरर कंट्रोल। तो ये दो पॉइंट इसके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं डाटा लिंक लेयर के, कि फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल। डिटेल में हम पढ़ेंगे फ्लो कंट्रोल कैसे करते हैं, क्या क्या उसके प्रोटोकॉल्स हैं, क्या क्या उसके एल्गोरिदम्स हैं, और एरर कंट्रोल भी, देन एड्रेसिंग एंड लिंक मैनेजमेंट। तो बेसिकली छह फंक्शंस होते हैं डाटा लिंक लेयर के। अब हम आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर आज की वीडियो लेक्चर पे, और वो है एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। सो एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन से पहले हमें यह पता करना होगा कि एरर होता क्या एक्चुअली में। सो व्हाट इज एन एरर? तो होता क्या है कि जब भी आप ट्रांसमिट करते हो डाटा नेटवर्क के ऊपर, अगर उस डाटा में कोई नॉइस आ जाती है, अगर उस डाटा का जो आपने ट्रांसमिट किया है वो बिट्स चेंज हो जाती है, तो ये सब एरर की कैटेगरी में आते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, नॉइस कैन इंट्रोड्यूस द एरर इन बाइनरी बिट्स। ठीक है, तो अगर किसी तरीके की नॉइस है, कोई इंटरफेरेंस है, कोई डिस्टर्बेंस हो रही है, तो उससे भी आपका जो बाइनरी बिट्स है उसमें एरर आ सकता है। और एरर का मतलब क्या होता है कि अगर आपने ट्रांसमिट किया था 10 और रिसीविंग साइड पर अगर सपोज मिला 1101 और 00, तो उसमें क्या हुआ कि जो आपकी 0 थी वो 1 से चेंज हो गई, और जो 1 थी वो 0 से चेंज हो सकती है। तो ये एक एरर होता है, दैट योर बाइनरी बिट्स, मीनिंग 0 में चेंज टू 1 और 1 में चेंज टू 0। सो ये बेसिकली एरर है, दिस इज द एरर। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप के एरर्स हैं, एक होता है सिंगल बिट एरर और एक होता है बस्ट एरर।
सो सिंगल बिट एरर, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है सिंगल बिट एरर का मतलब क्या होता है, कि अगर आपकी सिर्फ एक बिट चेंज हुई है, सो इन दिस ओनली वन बिट इन द डाटा यूनिट चेंजेस, तो उसको हम कहते हैं सिंगल बिट एरर। सो फॉर एग्जांपल, अगर ट्रांसमिटेड बाइट आपकी थी 10110010, सपोज ये हमें ट्रांसमिट करना था डाटा टू ट्रांसमिट, सो ये डाटा को ट्रांसमिट किया गया और रिसीविंग साइड पे अगर हमें मिलता है सपोज 10110000, सो दिस इज द डाटा विच इज रिसीव्ड। सो आप इसके अंदर देख सकते हो कि कितनी बिट चेंज हुई हैं। अगर इसके अंदर हम देखें तो ये वाली बिट सेम है, ये सेम है, ये भी सेम 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 सेम, ये वाली जो बिट है ये वन से चेंज होके क्या हो गई, जीरो। सो इस पूरे ट्रांसमिशन में जब हमने इस डाटा को ट्रांसमिट किया, हमारी एक सिंगल बिट चेंज हो गई, तो इसको हम बोलते हैं सिंगल बिट एरर, जिसमें कि एक सिंगल बिट चेंज होती है, तो वो कहलाता है सिंगल बिट एरर। देन द सेकेंड टाइप ऑफ एरर इज बर्स्ट एरर। इन दिस टू और मोर बिट्स इन द डाटा यूनिट चेंजेस, अगर दो या दो से ज्यादा डाटा यूनिट की बिट्स चेंज हो रही है तो वो बर्स्ट एरर कहलाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर यही डाटा हम लेते हैं 10110010 और इस डाटा को हमने ट्रांसमिट किया और रिसीविंग साइड पे हमें मिलता है 10111001, तो अब आप इसके अंदर देख सकते हो कितनी बिट्स चेंज हुई हैं। एक तो ये चेंज हो गई, देन दिस इज आल्सो चेंजेस, और ये भी चेंज हो गई। सो बेसिकली यहाँ पे कितनी बिट चेंज हो गई हैं, तीन बिट हमारी चेंज हो गई है, रिसीविंग और सेंडिंग डाटा में तीन बिट्स में डिफरेंस आया है, तो ये कहलाएगा बर्स्ट एरर। ठीक है, सो एरर क्या होता है? एरर इज जनरली और कॉमनली नॉइस विच इज इंट्रोड्यूस इन द डाटा यूनिट विच इज बीइंग ट्रांसमिटेड, और इस नॉइस के आने से क्या होता है कि जो आपका जीरो होता है वो कई बार वन में चेंज हो जाता है, और वन जो होता है वो जीरो में चेंज हो जाता है। फिर हमने दो डिफरेंट टाइप के एरर पर, अगर सिंगल बिट में एरर, सिंगल बिट में अगर चेंज हो रहा है तो सिंगल बिट एरर हो रहा है, अगर दो या दो से ज्यादा बिट्स में चेंज हो रहा है तो उसको हम बस्ट एरर कहते हैं। अब हम देखेंगे कि एरर डिटेक्शन के मेथड्स कौन कौन से होते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं पैरिटी चेकिंग, पहला मेथड जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे पैरिटी चेकिंग। पैरिटी चेकिंग सबसे ज्यादा फेमिलियर और सबसे ज्यादा इजी एक मेथड है, जिससे हम किसी भी डाटा यूनिट में जो एरर हुआ है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं कि एरर हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो इतना आपको ध्यान रखना है, इट इज यूज्ड फॉर ओनली डिटेक्टिंग द एरर, इट मींस इट कैन नॉट रिवील द लोकेशन ऑफ द एरर और इट कैन नॉट करेक्ट द एरर। सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज पैरिटी चेकिंग। इन द पैरिटी चेकिंग एन एक्स्ट्रा बिट विच इज कॉल्ड एज पैरिटी बिट इज एडेड टू द वर्ड बिफोर ट्रांसमिटिंग। तो हर वर्ड को जिसको ट्रांसमिट करना है उसमें एक एक्स्ट्रा बिट, जिसको कि हम पैरिटी बिट बोलते हैं, वो हम ऐड करते हैं, और ऐड करने के बाद वर्ड प्लस पैरिटी बिट उसको हम ट्रांसमिट करते हैं। क्लियर? अब डिफरेंट टाइप की पैरिटी होती है, या तो इवन पैरिटी हम रखते हैं या फिर हम ऑड पैरिटी रखते हैं। अब दोनों का मतलब क्या होता है? इन इवन पैरिटी नंबर ऑफ वंस इन अ गिवन वर्ड इंक्लूडिंग पैरिटी शुड बी इवन। तो इतना आपको ध्यान रखना है, इवन पैरिटी में नंबर ऑफ वंस इन अ गिवन वर्ड इंक्लूडिंग द पैरिटी शुड बी इवन, मतलब नंबर ऑफ वंस पैरिटी बिट को मिला के इवन होने चाहिए। ऐसी ऑड पैरिटी के अंदर नंबर ऑफ वंस इन अ गिवन वर्ड इंक्लूडिंग पैरिटी शुड बी ऑड। ठीक है, नाउ लेट सी हाउ पैरिटी चेकिंग मेथड इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग द एरर्स। So, let's see the data that is need to be transmitted is
डाटा ले लेते हैं जिसको ट्रांसमिट करना है हम, वो है हमारे पास 1 0 0 1 0 1 1। तो ये हमें ट्रांसमिट करना है। अब ट्रांसमिट करने के लिए जो कोड वर्ड होगा या जो फाइनल डाटा होगा वो क्या होगा, वो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, पैरिटी बिट पी प्लस डेटा, ठीक है। और इस पी की वैल्यू हमें सेट करनी है। अब इसी डाटा के अंदर हम दो केस लेके चलेंगे, एक तो लेके चलेंगे इवन का और एक लेके चलेंगे हम ऑड पैरिटी का। सो सपोज इवन पैरिटी के लिए हम कर रहे हैं, तो देखो इवन पैरिटी में क्या होता है, आपके नंबर ऑफ वंस इवन होने चाहिए इंक्लूडिंग द पैरिटी बिट। अब नंबर ऑफ वंस डाटा में कितने हैं, 1 2 3 और 4, मतलब नंबर ऑफ वंस 4 है, पहले इवन है, तो मैं पी की वैल्यू क्या सेट करूंगा, 0। सो फॉर इवन पैरिटी पी इज इक्वल्स टू 0, तो जो वर्ड ट्रांसमिट होगा वो क्या बन जाएगा, 0 1 0 0 1 0 1 1। तो ये वर्ड ट्रांसमिट होगा और इसमें पैरिटी बिट है 0, ठीक है। सो नाउ एट द रिसीविंग साइड अगेन द पैरिटी इज चेक। सो रिसीविंग साइड पे भी नंबर ऑफ वंस काउंट करेंगे, कितने आएंगे, इवन, सो दैट मीन्स देर इज नो एरर। बट नाउ लेट सी द एरर अकर्स, और ये डाटा बन गया हमारा 0 0 0 0, इस वाले वन को मैंने 0 से चेंज कर दिया, देन 1 0 1 1। अब आप देखो इसमें नंबर ऑफ वंस कितने ऑड हो गए, दैट मीन्स इवन पैरिटी हमने सिलेक्ट किया था बट जो रिसीव हुआ डाटा उसमें नंबर ऑफ वंस ऑड है, दैट मीन्स दिस इज एन एरर। सो अगर एक बिट का चेंज आया तो वो एरर होगा, अगर कोई चेंज नहीं है तो नो एरर, ठीक है। सिमिलरली अगर हम ऑड के लिए बात करते हैं, तो अगर मुझे ऑड पैरिटी के लिए करना है इसी कंसेप्ट को, इसी डाटा को, तो पी क्या सेट करेंगे, अब नंबर ऑफ वंस कितने थे 4, तो ऑड बनाने के लिए मैं पी की वैल्यू क्या सेट करूंगा, 1। डाटा क्या सेट हो, डाटा क्या सेंड होगा अब आपका, अब आपका डाटा सेंड होगा 1, ये तो पैरिटी हो गई, उसके बाद पूरा डाटा 1 0 0 1 0 1 1। अब अगर रिसीविंग साइड पे एक बिट चेंज हो गई, सपोज ये 0 1 हो गया, तो क्या मिलेगा रिसीविंग साइड के ऊपर, 1 पैरिटी 1, और इस 0 को मैंने 1 से कर दिया, तो 1 0 1 0 1 1। अब आप इसमें नंबर ऑफ वंस काउंट करो, कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6, मतलब ऑड पैरिटी के लिए हम काम कर रहे थे, नंबर ऑफ वंस कितने मिले, 6, दैट मीन्स दिस इज एन एरर। सो एज यू कैन सी दैट दिस इज वेरी सिंपल मेथड ऑफ डिटेक्टिंग एन एरर, बट दिस इज नॉट द ऑप्टिमल और द बेस्ट मेथड फॉर डिटेक्शन ऑफ एरर्स। इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। सबसे पहले लिमिटेशंस है, इट इज नॉट सुटेबल फॉर डिटेक्शन ऑफ मल्टीपल एरर्स। जैसे इसी केस में हम लेते हैं, इवन पैरिटी के लिए मैं आपको करके दिखा रहा हूं, आप ऑड पैरिटी के लिए भी सेम कंसेप्ट को यूज कर सकते हो। सपोज द डाटा दैट नीड्स टू बी सेंड इज दिस, और विद पैरिटी ये हम सेंड कर रहे हैं, तो हम सेंड क्या कर रहे हैं, जनरली 1 0 0 1 0 1 1। Now let us assume that 2 bits changes. दो बिट चेंज हो गई, और बिट के चेंज होने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, 0 0 1 0 1 0 1 1। तो मैंने कौन कौन सी बिट चेंज की है, बेसिकली इस 1 को मैंने 0 कर दिया और इस 0 को मैंने 1 कर दिया। तो जो डाटा वर्ड था हमारा, जो हमें सेंड करना था, वो हमने चेंज कर दिया यहाँ पे। बट क्या इवन पैरिटी या फिर पैरिटी चेकिंग की मदद से वो इसको डिटेक्ट कर पाएगा, राइट नाउ नंबर ऑफ वंस कितने हैं यहाँ पे,
एक दो तीन चार विच इज इवन, तो रिसीविंग साइड पे भी इवन मिलने चाहिए। अगर इवन मिलते हैं तो हम कहते हैं एरर नहीं है। तो कितने मिल रहे हैं, एक दो तीन चार, सो नंबर ऑफ वंस हियर इज ऑल्सो फोर विच इज इवन, बट हमने दो बिट को चेंज किया है। दैट मीन्स दैट इट इज नॉट सुटेबल फॉर डिटेक्शन ऑफ मल्टीपल एरर्स, क्योंकि देर में भी अ चांस कि मल्टीपल एरर्स के टाइम मल्टीपल एरर्स के केस में उसकी जो पैरिटी है वो सेम रहे, पैरिटी चेंज नहीं हो। सो इसलिए पैरिटी चेकिंग को हम मल्टीपल एरर्स के लिए सुटेबल नहीं मानते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट लिमिटेशन, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। देन इट कैन नॉट रिवील द लोकेशन ऑफ द एरेनियस बिट। इसका मतलब आप इस मेथड को यूज करके एरर किस बिट पे हुआ वो पता नहीं कर सकते हो, एंड इवेंचुअली इट कैन नॉट करेक्ट द एरर। तो दिस इज मेन पॉइंट। अगर इंटरव्यू के टाइम पे या कहीं पे भी आपसे वाइवा में पूछते हैं कि पैरिटी से आप क्या एरर करेक्ट कर सकते हो, देन नो, वी कैन डिटेक्ट एन एरर बट वी कैन नॉट करेक्ट द एरर। और वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमें नहीं पता चलेगा कि एरर कौन सी बिट पे हुआ है, ठीक है। सो दिस इज द पैरिटी चेकिंग, दिस इज द लिमिटेशन ऑफ पैरिटी चेकिंग। सो एज वी हैव सीन दैट द पैरिटी चेकिंग इज नॉट सुटेबल फॉर मल्टीपल एरर्स, तो इसका एक बेटर वर्जन है विच इज टू डायमेंशनल पैरिटी चेक। सो अब देखते हैं कि टू डायमेंशनल पैरिटी चेक कैसे काम करता है और क्या होता है वो। सो टू डायमेंशनल पैरिटी चेक, इन दिस द डाटा वर्ड इज ऑर्गेनाइज्ड इन टेबल विच इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। सो टू डायमेंशनल पैरिटी चेक में हम क्या करते हैं, डाटा वर्ड को टेबल की फॉर्म में ऑर्गेनाइज कर देते हैं रोज एंड कॉलम्स में, एंड इट कैन चेक एंड डिटेक्ट अप टू थ्री एरर्स, कि अगर तीन बिट में एरर हो रहा है तो हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं, बट एरर्स अफेक्टिंग फोर बिट्स मे नॉट बी डिटेक्टेड। अब एक्चुअली इसको करते कैसे हैं वो एक एग्जांपल को लेके हम देखेंगे कि कैसे किया जाता है इसे। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। तो मैं क्या एग्जांपल ले रहा हूं कि मेरे पास डिफरेंट 7-bit bytes हैं मेरे पास, सो मेरे पास डिफरेंट है और उनको मैं रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में अरेंज कर लेता हूं। तो जैसे अगर मेरे पास डाटा है ये 1 1 0 0 1 1 1, ये मेरे पास पहला वर्ड है। ऐसे मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स हैं जिनको मुझे सेंड करना है, तो मैं उन सब वर्ड्स को एक रोज की फॉर्म में लिख लूंगा। ये पहली रो हो गई, ऐसी सेकंड रो लिख लेते हैं हम 1 0 1 1 1 0 1, देन 0 1 1 1 0 0 1, एंड फाइनली 0 1 0 1 0 0 1। तो इसको हमने रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में लिख लिया। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें हर रो की और हर कॉलम की एक पैरिटी फाइंड आउट करनी है। तो मैं इसके लिए यहां पे इसको ऐसे बना देता हूं, यहां पे हम क्या लिखेंगे हर रो की पैरिटी। तो मैं यहां पे अगर लिखता हूं इसे रो पैरिटीज, और यहां पे हम लिखेंगे हर कॉलम की पैरिटी। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कॉलम पैरिटीज, ठीक है। अब लेके चलते हैं कि हम इवन पैरिटी के लिए काम कर रहे हैं, इवन पैरिटी के कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं। तो अब देखो कि रो पैरिटी क्या है, यहां पे कितने वन है, 1 2 3 4 5, यानी ऑड नंबर है, तो इस रो की पैरिटी क्या हो गई 1। ऐसी इसकी 1 2 3 4 5, 5 है तो पैरिटी कितनी हो गई 1। 1 2 3 4 तो इवन है तो 0, 1 2 3 ऑड है तो 1, तो ये रो पैरिटी आ गई मेरे पास। ऐसे अब देखते हैं कॉलम पैरिटी क्या आएगी, 1 2 इवन है तो 0 1 0 1 0 1 0, तो ये कॉलम पैरिटीज आ गई। अब इतना होने के बाद जब हमने पैरिटीज को फाइंड आउट कर लिया,
उसके बाद द होल टेबल इज देन सेंड टू द रिसीवर, देन द होल टेबल, दिस इंटायर टेबल इज देन सेंड टू द रिसीवर। और अगर उसके बाद उसमें कोई चेंज होता है, अगर कुछ एरर आता है, तो वो हम इजीली डिटेक्ट कर लेंगे। सो कैसे करेंगे? बेसिकली हम सेंड कैसे करते हैं कि जो ये डाटा है वो सेंड किया, देन रो पैरिटी और कॉलम पैरिटी अलग अलग हमने सेंड कर दी। नाउ लेट्स सी केस वन। एक केस देखते हैं जिसमें एक एरर हो रहा है। सो अ केस ऑफ सिंगल एरर, ठीक है। सो मैं एक बार पूरा इसको दोबारा से ड्रॉ कर लेता हूं और उसका मैं आपको इसमें बताता हूं कि कैसे हम एरर को डिटेक्ट करते हैं। तो सपोज ये हमने ट्रांसमिट किया था अलोंग विद दिस पैरिटीज, और डाटा जो रिसीव हुआ रिसीवर को वो ये रिसीव हुआ। अब मुझे फाइंड आउट करना है कि डाटा में कोई एरर हुआ, अगर हुआ तो कहां पे हुआ, इससे हम पता भी कर सकते हैं। तो अब देखो करते क्या है कि जब डाटा रिसीव होता है तो उसकी दोबारा से हर रो हर कॉलम की पैरिटी को चेक किया जाएगा। तो ये जो पैरिटी है जो मैंने ब्लैक पेन से लिखी है, ये तो है जो यहां से रिसीव हुई थी, ठीक है। सो दीज आर द पैरिटीज विच इज रिसीव्ड। और ब्लू पेन से जो मैं पैरिटी लिख रहा हूँ वो अब जो रिसीव डाटा है उसके अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ। तो अब देखो क्या है, यहाँ पे एक दो दो ही है तो जीरो रहेगा, एक दो तीन ऑड है तो इवन यानी वन, एक दो दो है तो जीरो ही रहेगा, यहाँ पे जीरो था इसको चेंज कर लीजिएगा। सो अब इसकी पैरिटी कितनी आएगी, वन, देन तीन है तो वन, जीरो वन जीरो। तो ये कॉलम कॉलम की आ गई। अब रो की देखते हैं, वन जीरो जीरो वन। सो अब अगर आप देख रहे हो यहाँ पे, अब अगर आप देख रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ पे पैरिटी चेंज हो गई। अगर मैं इनको मैच करूँ आपस में तो मुझे चेंजेस दिखेंगे, ये ठीक है ये ठीक है। एक चेंज तो यहाँ पे हो गया, ये जीरो से वन हो गया, बाकी सब सेम है। और एक चेंज आपको यहाँ पे मिलेगा, ये वन से जीरो हो गया, ठीक है। अब इसका जो इंटरसेक्शन है इनका, उस बिट पे एरर हुआ होगा। तो इसका जो इंटरसेक्शन हो क्या आएगा, अगर मैं देखता हूँ ये वाली और ये, तो इसका इंटरसेक्शन क्या आ गया, ये। दैट मीन्स अगर ये जीरो है तो ये ओरिजिनल में वन होगा। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ये वन था और अब यहाँ पे जीरो हो गया। तो इस तरह से सिंगल एरर के अंदर आप इसमें इजीली डिटेक्ट कर सकते हो। ऐसी टू एरर के केस में, थ्री एरर के केस में भी आप इनको डिटेक्ट कर सकते हो। सो इट कैन बी इजीली डिटेक्टेड इन द केस ऑफ वन एरर, टू एरर और थ्री एरर। वो आप खुद ट्राई करके देख सकते हो। दो बिट को चेंज करोगे तो आपको दो पैरिटी के अंदर चेंजेस मिलेंगे, थ्री में करोगे तो तीन पैरिटी में चेंजेस मिलेंगे। बट अगर हमारे चार वर्ड चेंज हो जाएं तो उस केस में पॉसिबिलिटी है कि ये डिटेक्ट नहीं करेगा। तो एक बार वो देखते हैं कि अगर चार बिट हम चेंज करेंगे तो क्या होगा। तो मैं उसको बना लेता हूं, फिर दोबारा से वीडियो को रिज्यूम करते हैं। तो जैसे कि मैंने चार चेंजेस किए हैं यहाँ पे, चेंजेस जो है उनको मैं मार्क कर देता हूँ। जैसे वन वन जीरो, इस जीरो को मैंने वन कर दिया तो एक चेंज तो ये किया है, देन इस वन को मैंने जीरो कर दिया, दूसरा चेंज ये किया है, ये वन वन ही है, देन ये वन जीरो वन 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 जीरो वन कोई चेंज नहीं किया, जीरो वन वन, देन एक चेंज ये किया है और एक चेंज ये किया है, बाकी सेम है। मतलब मैंने यहाँ पे बेसिकली चार चेंजेस किए हैं। अब इन चार चेंजेस को करने के बाद देखते हैं कि हमारी पैरिटी क्या आ रही है। तो यहाँ पे देखो पैरिटी क्या आएगी, कितने नंबर ऑफ वन से, एक दो तीन चार पाँच, तो पैरिटी आएगी वन, सेम है। यहाँ पे कितनी आएगी, एक दो तीन चार पाँच वन, एक दो तीन चार जीरो, एक दो तीन, सो वन। तो जो रो पैरिटी है वो सेम आई है बिल्कुल एग्जैक्ट। अब कॉलम पैरिटी देख लेते हैं एक बार, वन वन, दो है तो जीरो, तीन है तो वन, दो है तो जीरो, तीन है तो वन, दो है तो जीरो, एक है तो वन, चार है तो जीरो। सो इस केस में जहां पे चार चेंजेस हुए हैं, सो दिस इज द केस वेयर फोर चेंजेस
अकर और फोर एरर अकर्स, इस केस में जो पैरिटी आ रही है वो सेम आ रही है। सो फोर एरर के केस में टू डायमेंशनल पैरिटी चेक कभी कभी काम नहीं करता है। सो दिस इज अबाउट द टू डायमेंशनल पैरिटी चेक एंड कंप्लीट पैरिटी चेकिंग टॉपिक। एंड इसी में ही जो हमने रो पैरिटी और कॉलम पैरिटी निकाली है, इसको हम कई बार बोलते हैं, दिस थिंग इज कॉल्ड एज LRC एंड दिस थिंग इज कॉल्ड एज VRC। ठीक है, सो अगर कई बुक्स में आपको LRC और VRC करके मिलता है तो आप कंफ्यूज मत कीजिए, दिस इज रो पैरिटी एंड दिस इज कॉलम पैरिटी। सो दिस इज अबाउट द पैरिटी चेकिंग और द फर्स्ट टॉपिक ऑफ एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन इन डाटा लिंक लेयर ऑफ डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स। थैंक यू।